और नगर काउंसिल बस्ती पछाना के मौजूदा अध्यक्ष रविंदर कुमार रिंकू के खिलाफ 15 में से 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है। और इसे लेकर आज सुबह 9:30 बजे नगर परिषद में बैठक आयोजित की गई, लेकिन ना तो बैठक हुई और ना ही अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले पार्षद पहुंचे। नगर परिषद अध्यक्ष रविंद्र कुमार रिंकू ने 2 घंटे तक खाली कुर्सियां लेकर इंतजार करते रहे। गौरतलब है कि मौजूदा अध्यक्ष रविंद्र कुमार रिंकू के अलावा राजकुमार पुरी और बाकी पार्षद नहीं पहुंचे। यहां आपको बता दें कि जब से गुरप्रीत सिंह जीपी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से बसी पठाना नगर काउंसिल का अध्यक्ष पद चर्चा का विषय बना हुआ है। और रविंद्र कुमार रिंकू ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह जीपी आम आदमी में शामिल हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है, जिससे आम आदमी पार्टी की छवि समाज में खराब हो रही है। आज 19 तारीख दिन सोमवार मेरे खिलाफ जो बेभरोसगी मता कुछ कौंसल साहिबाना ने दिता थी, उसके संबंध में आज मीटिंग रखी हुई थी, जिसका समा के 9:30 बजे थी, जिस विच कौंसल साहिबाना ने आके अपना बहुमत सिद्ध करके जो मेरे खिलाफ बेभरोसगी का मता दिता थी वो आना से अज कोई भी काउंसलर हाजिर नहीं आए थे। मैं समय सिर अपने टाइम पर इतने आ गया थी, जिसकी कि पूरी असी वीडियोग्राफी भी कराई है। समा हम तुसी देख सकते हो 10:45 हो चुके हैं। मैं गुरप्रीत सिंह जीपी जी नाल आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, मैं उदो भी नगर काउंसल का प्रधान थी और सरदार भगवंत सिंह जी मान मुख्यमंत्री पंजाब की रहनुमाई में ज्वाइन की थी। उस तो बाद हलका विधायक जिहड़े है साढ़े नाल मतरेया जिहड़ा व्यवहार कर रहे हैं, जिस करके जिहड़ी आम आदमी पार्टी की जिहड़ी छवि है वो खराब हो रही है। इसकी जो सारी अज होया प्रकरण जिहड़ा होया ये हलका विधायक जी की देन है।